सब्सक्राइब कीजिए जागो किसान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं रामगोपाल धाकड़, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो किसान चैनल पर। किसान साथियों, प्याज का भाव क्वालिटी के अनुसार जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें। मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी आप तक अधिक से अधिक फसलों के मंडी भाव की सही सटीक और लाइव जानकारी पूरी विश्वसनीयता के साथ आप तक पहुँचा सको। देखते हैं रतलाम मंडी में आज प्याज क्या भाव बिका रहा है, तो बने रहिए मेरे साथ। किसान साथियों, आप पर्ची में भाव देख सकते हैं, ये प्याज 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। भैया कौन से गांव से? करमदी। करमदी से आए, आपका शुभ नाम? चंदन सिंह पाटीदार। ये करमदी से आए और इनका प्याज 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, ये 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है ये प्याज। ये किसान साथियों आप पर्ची में भाव देख सकते हैं, प्याज 1480 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। भैया कौन से गांव से आप? नाउटिया से। आपका शुभ नाम? श्यामलाल चौहान। ये नाउटिया से आए हैं और इनका प्याज 1480 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। आज रतलाम कृषि मंडी में हड़ताल समाप्त होने के बाद 1480 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, किसान साथियों आप पर्ची में भाव देख सकते हैं। भैया के हाथ में पर्ची और पर्ची में भाव है, ये 1705 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। भैया कौन से गांव से? शिवपुर से। शिवपुर से आए हैं और आज इनका प्याज, आपका शुभ नाम? रोहित पाटीदार। रोहित पाटीदार जी, और इनका प्याज 1705 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, प्याज की क्वालिटी आप देख सकते हैं किसान साथियों। किसान साथियों आप पर्ची में भाव देख सकते हैं, प्याज का 2585 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से भैया। भैया कौन से गांव से? बांगरो से हैं, और आपका शुभ नाम भैया? रामचंद्र। और इनका प्याज 2585 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं। हाँ पर्ची बता दियो। ये किसान साथियों आप पर्ची में भाव देख सकते हैं, ये 2900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। भैया कौन से गांव से? बांगरोस। बांगरोस से आए, आपका शुभ नाम? प्रहलाद कावरिया। प्रहलाद जी कावरिया बांगरोस से आए हैं और इनका प्याज 2900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, ये प्याज 2900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। आज हड़ताल कल समाप्त हो गई है और आज मंडी में लीलामी कार्य चालू है और आज ये प्याज 2900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं प्याज की। किसान साथियों आप पर्ची में भाव देख सकते हैं, प्याज का 2010 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है प्याज। भैया कौन से गांव से? घटवास। घटवास से आपका शुभ नाम? बलराम जाट। बलराम जी जाट घटवास से आए हैं और इनका प्याज 2010 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, 2010 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है ये प्याज। प्याज मीडियम साइज का है, क्वालिटी आप देख सकते हैं प्याज की। ये किसान साथियों आप पर्ची में भाव देख सकते हैं, ये 2395 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है ये प्याज। कौन से गांव से भैया? पलसोड़ा से आए, आपका शुभ नाम? ये पलसोड़ा से आए हैं और इनका प्याज 2395 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, ये 2395 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, 2395 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। किसान साथियों आप पर्ची में भाव देख सकते हैं, ये प्याज 2581 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। भैया कौन से गांव से? धोसवास से हैं, आपका शुभ नाम? प्रहलाद पाटीदार।
प्रहलाद जी पाटीदार धोसवास से आए हैं और इनका प्याज 2581 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, प्याज की ये किसान साथियों आप पर्चे में भाव देख सकते हैं, प्याज का 1811 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। भैया कौन से गांव से? ताल। ताल ताल से आए। आपका शुभ नाम? वाहिद मंसूरी। वाहिद जी मंसूरी और ताल से आए हैं। 1811 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये छोटी क्वालिटी का प्याज है और इसकी क्वालिटी किसान साथियों आप भी देख सकते हैं, छोटी साइज का प्याज है। किसान साथियों पर्चे में आप भाव देख सकते हैं, ये प्याज 2711 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। भैया कौन से गांव से? बिलवाणिया से आए। आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र पाटीदार। धर्मेंद्र जी पाटीदार बिलवाणिया से आए हैं और इनका प्याज 2711 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी आप देख सकते हैं, 2711 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है ये प्याज। क्वालिटी प्याज की आप देख सकते हैं, ये 2711 रुपये 2757 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी आप देख सकते हैं। किसान साथियों आप पर्चे में भाव देख सकते हैं, प्याज का 2914 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। भैया कौन से गांव से? धराड़ से। आप क्या, आपका शुभ नाम? मुकेश जी धराड़ से आए हैं और इनका प्याज 2914 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, 2914 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है ये प्याज। प्याज की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्याज है ये, 2914 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। ये आज रतलाम कृषि मंडी में हड़ताल के बाद बिकने के लिए आया है और ये 2914 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। ये किसान साथियों आप पर्चे में भाव देख सकते हैं, हड़ताल के बाद आज मंडी खुली है और आज ये प्याज बिका है। ये प्याज पूरे 2552 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। भैया कौन से गांव से आओ? मैं नमस्कार, मैं दमोत्तर से आया हूँ। अच्छा आपका शुभ नाम? मेरा कन्हैयालाल सेन। ये कन्हैयालाल जी सेन दमोत्तर से आए हैं और इनका प्याज क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये 2552 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। 2552 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। प्याज की क्वालिटी किसान साथियों आप देख सकते हैं, थोड़ी छोटी साइज़ का प्याज है पर बहुत अच्छे भाव में बिका है। प्याज की क्वालिटी आप देख सकते हैं, भैया के हाथ में 2552 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है ये प्याज। क्वालिटी आप भैया के हाथ में देख सकते हैं, रतलाम कृषि मंडी में बिकने के लिए आया है धमोतर से कन्हैयालाल जी सेन और इनका प्याज 2552 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। या आपको और कुछ कहना है? मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं तो अपने प्याज का सौदा गांव के ही छोटे व्यापारियों को करना चाहता था, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पे जागो किसान चैनल देखा और इसकी इतनी अच्छी एडिटिंग एंकरिंग को देखा तो मैं खुद जागो किसान चैनल के श्री रामगोपाल जी धाकड़ की इस बहुत अच्छी एडिटिंग और एंकरिंग से प्रभावित हुआ और मैंने भी विचार किया कि क्यों नहीं मैं भी मंडी में जाके आज अपना प्याज बेचूँ। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, किसान साथियों मैंने ऐसा चैनल पहली बार देखा, क्योंकि मैंने कई सारे मंडी भाव के चैनल देखे हैं लेकिन जागो किसान चैनल की जो प्रस्तुतिकरण की जो शैली है वाकई काबिल तारीफ़ है। हर एक माल की क्वालिटी को बहुत ही सुंदरता से और बिल्कुल हर क्वालिटी के अनुसार भाव दिखाया जाता है, इसकी पूरी विश्वसनीयता प्रामाणिकता आज भी कायम है और इसी से प्रेरित होकर रतलाम मंदसौर और बहुत नागदा खाचो तक के किसान यहाँ पर मंडी में अपना प्याज बेचने के लिए आ रहे हैं। और साथियों में जागो किसान चैनल के डायरेक्टर श्री रामगोपाल जी धाकड़ की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आप सभी किसान साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ऐसे सच्चे रियल हीरो को आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा 6 महीने के अंदर ही जागो किसान चैनल का टारगेट है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल के हों। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद भैया, आपने जो तारीफ की मेरी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं सही सटीक और विश्वसनीय खबरें हमेशा दिखाता रहूं और किसान साथियों का भरोसा हमेशा बना रहे मेरे पे
और रतलाम की खबरें मैं डेली बताता रहूँगा। काका जी कौन से गांव से? क्या प्याज लेके आए? प्याज लेके आए हैं हमारे किसान साथी रतलाम कृषि मंडी में और अपनी ट्राली का इंतजार कर रहे हैं लेने का। दुकान पर बिक नहीं रहा है माल, देखो इस आदमी की कैसा था, ऐसा हो गया 8 दिन से। सर आप कहाँ से? गुजरात से, हमारे भाई देहरादून से। ये भैया देहरादून से आए हैं रतलाम मंडी में प्याज खरीदने के लिए। बाबा तुम कहाँ से हो? Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space street flying through the skies and petals happen everywhere. तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल और कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।